आप सभी को पता ही है कि इस बार जब भी हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अपना आवेदन पत्र एक बार कॉलेज अर्थात संस्थान में जमा करवाने के बाद आपको हर महीने बायोमेट्रिक उपस्थिति कॉलेज में देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो आगे विभाग को नहीं भेजा जाएगा और आपको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अब ये क्यों आता है और इसका क्या मतलब है और आपको क्या बायोमेट्रिक लगाना होगा, लगाना होगा तो कब तक लगाना होगा, इसी के साथ किस डेट को महीने में लगाना होगा, तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी सवालों को देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि छात्रवृत्ति में ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर आप जरा ध्यान से समझिए, पहले क्या होता था कि जितने भी स्टूडेंटों को समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप मिलती थी वो क्या करते थे कि प्राइवेट एडमिशन नहीं लेते थे। अगर वो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो वो क्या करते थे, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो क्या करते थे कि प्राइवेट एडमिशन नहीं लेते थे, बल्कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले लेते थे। और रेगुलर एडमिशन लेने से फायदा क्या होता था कि उनकी मार्कशीट में रेगुलर लिखा हुआ आता था, जबकि उन्हें क्या फायदा था कि उन्हें कभी कॉलेज जाना ही नहीं पड़ता। कॉलेज की फीस मान लीजिए 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये ही उन्हें समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो क्या करते थे कि कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले लिया, उसके बाद कॉलेज कभी जाना नहीं और डायरेक्ट उनकी स्कॉलरशिप आ जाती थी। 10,000 रुपये आ गई और वो 10,000 रुपये वो कॉलेज वालों को दे देते थे तो उन्हें फीस भी नहीं भरनी पड़ती। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तो फ्री में हो रही है और रेगुलर भी है, तो मतलब रेगुलर एडमिशन हो जाता था उनका फ्री में इस स्कॉलरशिप की वजह से, और वो पढ़ाई कर रहे थे रेगुलर लेकिन कॉलेज कभी जाते ही नहीं थे, ये हो रहा था अब तक। तो अब इसमें क्या सिस्टम लागू किया गया है कि अब क्या है कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेजों में ले रहे हो, सरकारी कॉलेजों में ले रहे हो, उन्हें हर महीने स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना बायोमेट्रिक देना होगा, अपने फिंगरप्रिंट लगाने होंगे, उन्हें बताना होगा कि हम रोजाना कॉलेज आ रहे हैं, हर महीने कॉलेज आ रहे हैं, ये उन्हें दिखाना होगा वहाँ पर, तभी उनका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आगे जाएगा और तभी उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह का सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी कि हर महीने आपको बायोमेट्रिक लगानी ही होगी, वहाँ पर अपनी अटेंडेंस देनी होगी, उपस्थिति देनी होगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा रखा है स्कॉलरशिप के चक्कर में कि स्कॉलरशिप आ जाएगी 10,000 रुपये, हम कॉलेज वालों को दे देंगे और हमारा एडमिशन फ्री में रहेगा, हम फ्री में पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको हर महीने बायोमेट्रिक लगाना होगा तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब ये बायोमेट्रिक हर महीने लगानी होगी ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन ये महीने की किस डेट को लगेगी और कब तक लगानी होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते पूरे सेशन पूरे साल आपको हर महीने ये बायोमेट्रिक देनी होगी, हर महीने आपको कॉलेज जाना होगा। अगर आप रोज़ाना कॉलेज जाते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रोज़ाना कॉलेज जाइए और जब भी कॉलेज वाले आपको बोले कि आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए तो आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर वहाँ पर कॉलेज में वो सिस्टम होगा और वहाँ पर आप वो बायोमेट्रिक लगा देंगे। लेकिन अगर आप कभी कभार कॉलेज जाते हैं और आपने रेगुलर एडमिशन तो ले रखा है लेकिन आप कॉलेज का मुँह ही नहीं देखते, तो आपको हर महीने कॉलेज जाना होगा और वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाना होगा। अब किस डेट को जाएँ महीने में, तो ये कॉलेज वाले निर्धारित करेंगे। कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपको महीने की इस डेट को आना है और आपको बायोमेट्रिक लगाना है और अपनी उपस्थिति देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक महीने भी अटेंडेंस नहीं देते हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आ जाए। तो आप अपने कॉलेज वालों के कॉन्टैक्ट नंबर रखें और हर महीने कॉलेज वालों से बात करके वहाँ पर जाएँ और अपने फिंगरप्रिंट लगा के आएँ ताकि आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल सके, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि आप अपनी अटेंडेंस हर महीने ज़रूर दें और आपको अब ये ऐसा करना ही होगा अगर आप समाज कल्याण विभाग की ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें पूरी फीस वापस मिलती है आपको, चाहे आप बीएड कर रहे हो या फिर कोई और कोर्स कर रहे हो। तो बीएड में जैसे कि यहाँ पर कितनी होती है 2205 27,000 रुपये फीस आपको वापस मिलती है, समाज कल्याण विभाग ये देता है अगर आप बीएड कर रहे हो और अगर आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है, लेकिन देगा तभी जब आप हर महीने उपस्थिति वहाँ पर दिखाओगे, कॉलेज में जाकर अपनी अटेंडेंस लगाओगे, बायोमेट्रिक लगाओगे, अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगाओगे हर महीने, ये जरूरी है। बाकी रहा सवाल कि ये कितना ज़रूरी है, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आपके लिए स्कॉलरशिप ज़रूरी नहीं है तो भैया ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो मत लगाओ बायोमेट्रिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं लग रहा है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म से संबंधित, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे।
और हाँ, ये वीडियो भी हम किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।